दो तो हो गया। ए मारना नहीं है, मारे मत, मारे मत, मारे नहीं। इसको भी उसको मारिए, पीजिए नहीं, किसी को नहीं मारेगा। हम मंदिर जा रहे हैं। अच्छा चलो, मंदिर ले चल रहे हैं। सभी स्थितियों को नियंत्रण में रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि आगे भी इसी तरीके का, चाहे वो किसी तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने के लिए नहीं, अगर सख्ती से बरतने का निर्देश दिया गया है और अरेस्टिंग का साफ आदेश है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया था, रेलवे ट्रैक को जाम करने का प्रयास किया गया था, यानी कि रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया, जिसके बाद एसएसपी जयंतकांत की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और अब तक 15 छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उपद्रव मचाने वाले 15 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, और जिसकी पुष्टि एसएसपी जयंतकांत ने की है। उन्होंने साफ साफ कहा कि लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई लेता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर लेना महंगा पड़ेगा, और गिरफ्तार किया गया। तो अब तक 15 छात्रों को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में कई जो ज़िले हैं उसमें भयंकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ट्रेनों में आग लगाने की खबरें भी सामने आई हैं, साथ ही साथ स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की गई है, जिसके बाद एसएसपी जयंतकांत कुछ भी बख्शने को तैयार नहीं है। जहाँ पर भी कुछ होता है वहीं पर तुरंत पहुंच जाते हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, एसएसपी जयंतकांत ने गिरफ्तार किया है और उनसे कार्रवाई की जा रही है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत, आप वो सुनिए। अभी तक हम लोग सारी स्थितियों को देख रहे हैं, पुलिस की फोर्सेज और बाकी अन्य प्रशासन जो है लगातार इसमें काम कर रहा है और रेल पुलिस के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं। अभी तक के सभी स्थितियों को नियंत्रण में रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि आगे भी इसी तरीके का काम। टोटल अभी तक के 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इसमें बाकी लोगों को निगाह रखी गई है। मैसेज क्या होगा जो लगातार मताया जा रहा है? देखिए, हम लोगों का बात यह है कि किसी भी पर्सन को, चाहे वो किसी तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने के लिए नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर लेंगे तो सख्ती से बरतने का निर्देश दिया गया है और अरेस्टिंग का साफ आदेश है। तो आपने सुना कि मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ मिलेगा उसे लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना महंगा पड़ेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से निपटा जाएगा और गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद 15 उपद्रवी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे ट्रैक को जाम करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि सकरा के सीहो में मालगाड़ी में आग लगाने की कोशिश की गई थी, गार्ड रूम में आग लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन समय रहते पुलिस ने कोशिश को नाकाम कर दिया। वहीं उस मामले में पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि छात्र राजद के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो 15 उपद्रवी छात्रों को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।